नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर डॉट 24 न्यूज़। मैं हूं विमल। आइए जानते हैं शहर की प्रमुख खबरों की। सीहोर में पत्रकार से महिला अधिकारी की वत्सल होगी, कवरेज करने के दौरान रोका। एक तरफ तो सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर लगता है कि उनकी बातों का असर देखने को नहीं मिल रहा है। उनके गृह जिले में अफसर ही बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि अब सीएम के गृह जिले में अफसरशाही हावी होने लगी है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि जिस तरह से पुलिस अपना काम करती है, वकील अपनी वकालत करते हैं, उसी तरह भी मीडिया कर्मी भी जनसुनवाई की कवरेज करने सीहोर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में खबर को बनाने के लिए गए, जो कि अक्सर हर मंगलवार को होता है। लेकिन सीहोर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर वंदना राजपूर को इतना नावगवार गुजरा कि वो मीडिया कर्मी पर भड़क गई और अभद्र तरीके से फटकार लगाते हुए उसे बाहर निकाल दिया। और यह सब हुआ है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला सीहोर में। वहीं इस दुर्व्यवहार के कारण पत्रकारों में काफी रोष देखा जा रहा है। इस संबंध में सीहोर के सारे पत्रकार आज एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर महिला अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इतना ही नहीं, पत्रकारों का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया तो पत्रकार पुरजोर इसका विरोध करेंगे और सीएम शिवराज के गृह जिले में किसी भी खबर का कवरेज नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह पूरा मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से जुड़ा हुआ है। क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस महिला अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेंगे, या यूं ही महिला अधिकारी की इस हरकत को नजरअंदाज कर दिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण समारोह हो रहा, पत्रकारों को बाहर रोक दिया। लिखित में ही माफी मांगी थी। ये सीहोर अनशन पे बैठेंगे हम, पत्रकार हुई नहीं तो अनशन पे बैठेंगे। हमें चिंता के लिए वो वहाँ जाके वो मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे फिर सीएम के, ये भी एक बात। हमारे साथी जन सुनवाई की कवरेज करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर वंदना राजपूत जो कि डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर यहाँ पर अभी आई हुई हैं। इन्होंने हमारे पत्रकार साथियों के साथ अभद्रता करा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अभी हमने ज्ञापन दिया है और प्रशासन से मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम फिर अगली जनसुनवाई मंगलवार को सारे पत्रकार साथी आकर यहाँ पर धरना देंगे। तो क्या कार्रवाई पत्रकारों द्वारा चाह रहे हैं? देखिए, कोई भी अधिकारी हो या कोई भी कर्मचारी हो या समाज में जो भी कोई भी दबंग व्यक्ति हो, अगर पत्रकारों की एकता अखंडता, पत्रकारों की गरिमा, पत्रकारों के मान सम्मान, पत्रकारों की इज्जत से खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा या नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या अपने पद और अपने अहम को आगे लेकर आएगा, तो हम शांतिपूर्वक तरीके से सारे पत्रकार साथी एकजुट होकर उसे करारा जवाब देंगे। इस जो घटना हुई है कल, मुझे जो बताया गया है, जो ज्वाइंट कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत हैं, उन्होंने हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है वो निंदनीय है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पत्रकारों के खिलाफ अगर कुछ भी कोई बोलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और उन्होंने अभी एक एसपी और एक कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी की है। हम यही चाहते हैं, यही मांग करते हैं कि इस तरह के मुंहजोर और इस तरह के घमंडी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस तरीके के जो भी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाएंगे। पत्रकारों ने भी ज्ञापन सौंपा है कि उनके साथ किसी प्रशासनिक अधिकारी ने गलती भी की है, उसकी जांच की जाएगी। यदि सही पाई गई तो किसी ने एक्सेप्ट कर लिया उससे। सीहोर में मंडी थाना पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन कर ले जाने वाले आरोपी को धर दबोचा। इनके पास से कुल 1,25,000 रुपए का मशरूका आरोपी से जब्त करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंकावस्ती के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग एवं नगर पुलिस अधीक्षक सीहोर एनएस राजपूत के मार्गदर्शन में मंडी थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौर के नेतृत्व में थाना मंडी पुलिस के द्वारा 7 पेटी अवैध शराब व शराब को परिवहन कर ले जाने वाले वाहन ऑटो को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। थाना मंडी पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लोडिंग ऑटो में अवैध शराब महोड़िया की ओर जाने वाली है। सूचना पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए 7 पेटी अवैध देशी शराब, कुल 350 क्वार्टर कीमती 25,000 रुपए एवं लोडिंग ऑटो कीमती करीबन 1,00,000 रुपए का
कुल मसरूका 1,25,000 रुपए का मोहड़ी रोड से जब्त कर थाना मंडी पर आरोपी शलीम शाह रईस खान के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना में ली। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरोताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज। नमस्कार।